जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, और स्पेशली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ में आपको ये बताते हैं कि बैक्टीरिया में जो सीलिया या फ्लेजला पाए जाते हैं उसके हिसाब से बैक्टीरिया का क्या नाम रखा होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बैक्टीरिया अगर देखें तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया, आप जानते हो कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और यहाँ पे सेल थ्योरी इसके लिए अप्लीकेबल होती है। यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें किस किंगडम में आता है तो मोनेरा का मेंबर होता है ना, किसका मेंबर होता है, मोनेरा का मेंबर होता है बैक्टीरिया। अब आती है बात कि जैसे अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया में भाई न्यूक्लियस लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, तो अगर डोमिनेंट न्यूक्लियस की बात करो तो नहीं है, वेल डेवलप न्यूक्लियस की बात करो तो नहीं है, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये सब सेल ऑर्गेनेल नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर उसके ऊपर कोई भी सीलिया फ्लेजला नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ए ट्राइकस कहा जाता है, ए मतलब अब्सेंट। अगर उसमें एक सीलिया एक फ्लेजला है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। क्या बोले हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें एक जो है साइड में ग्रुप में सीलिया पाया जाए, ग्रुप में सीलिया, देखो याद रखो ग्रुप में सीलिया पाया जाए, अगर एक है तो मोनोट्राइकस, लेकिन एक कॉर्नर पे एक ग्रुप पे ग्रुप पाया जाए, टफ पाया जाए सीलिया का, तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस कहा जाता है। अगर एक साइड पे एक सीलिया हो, दूसरे साइड पे एक सीलिया या फ्लेजला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फी ट्राइकस कहा जाता है। और अगर चारों तरफ हो सीलिया तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस। तो ज्यादातर आपको यही दिखाई देता है पेरिट्राइकस, आप स्ट्रक्चर देखते हो खैर। अब आती है बात कि बैक्टीरिया में हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, तो देखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है, एक दिया हो पेप्टाइडोग्लाइकन, जो होता है इसमें क्या होता है, थिक होता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, और इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, थिन होता है। बस इसी के बेस पे नाम रखा गया है कि ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें क्या होता है, थिक होता है, इसमें क्या होता है, थिन होता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, लाइपोपॉलीसेक्राइड जो होती है ये एलपीएस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एलपीएस जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में एलपीएस में अब्सेंट, एलपीएस अब्सेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आती है बात एग्जांपल की, तो एग्जांपल का क्या याद रखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम टीबी के बैक्टीरिया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और साथ में है क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग के लिए बैक्टीरिया होता है। तो ये तीन बैक्टीरिया अगर आप देखें, टीबी के लिए, निमोनिया के लिए, और क्लास्ट्रिडियम जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, तो ये तीन बैक्टीरिया किसके लिए जिम्मेदार है, मतलब कौन है, ये ग्राम पॉजिटिव वाले हैं। तो याद रखो निमोनिया टीबी और फूड पॉइजनिंग, का बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव में है। ग्राम नेगेटिव की बात कर लो तो ग्राम नेगेटिव में एग्जांपल है एस्टीरिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, सीडोमोनास, है सेल्मोना है, और बिब्रियो कॉलेरी है। ये बैक्टीरिया आपके क्या है, ग्राम नेगेटिव के हैं। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बार बार पूछा जाता है, खैर ज्यादातर तो ये पूछा जाता है, और इसमें एस्टीरिया कोलाई आपको याद रखना है, और इसमें क्लास्ट्रिडियम, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।